नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर हैं तो हाल ही में अटल पेंशन योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि अटल पेंशन योजना में ये जो बड़े बदलाव किए गए हैं तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अटल पेंशन योजना में हाल ही में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं तो उसी के संदर्भ में जो जानकारी है तो उसके बारे में जो है वो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अटल पेंशन स्कीम में हुआ बदलाव, जानिए 5 नए नियमों के बारे में। तो यह दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना में अब बड़ा बदलाव किया गया है। आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल अटल पेंशन योजना के तहत कम से कम 1,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिलने का प्रावधान है। 60 साल की उम्र के बाद आपको इस पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। इस पेंशन योजना के तहत 18 साल से लेकर 43 साल तक की उम्र वाले लोग जुड़ सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ वे लोग नहीं उठा सकते हैं जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर है। तो यह दोस्तों, अटल पेंशन योजना में ये जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि पहला जो अपडेट है तो वो है डाउनग्रेड की सुविधा अब मौजूद नहीं है। अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर साल में एक बार चुनी गई पेंशन राशि को अपग्रेड या डाउनलोड कर सकते हैं। अब अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर पैन कार्ड की हार्ड कॉपी ईएनपीएस पोर्टल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर की जानकारी अब अटल पेंशन योजना ट्रांजैक्शन वेबसाइट पर मौजूद है। अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर एपीवाई सेक्शन के तहत www.npscra.nsdl.co.in पर जाकर ई प्लान डाउनलोड भी कर सकते हैं। पांचवा जो है वो नए नियमों के मुताबिक अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद पति या पत्नी उस अकाउंट को जारी रख सकते हैं। बता दें कि अटल पेंशन योजना में निवेश से रिटायर होने के बाद आप हर माह पेंशन पाने के हकदार हो सकते हैं। अटल पेंशन योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान है। तो यह दोस्तों, अटल पेंशन योजना में ये जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं तो उसी के बारे में जो है वो अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। अगर आप भी एक अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर है और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बाकी अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में उन सभी सब्सक्राइबर को पता चल सके। तो यह दोस्तों, यहाँ पर ये जो एपीवाई में दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है जिसके तहत जो एपीवाई का पैन कार्ड होता है उसकी अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो उसे जो है आप ई एनपीएस पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए ई एनपीएस पोर्टल पर जाकर किस तरह से आप जो है आपका पैन कार्ड की हार्ड कॉपी जो है वो ले सकते हैं तो उसके बारे में आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो वहां पर बताइए ताकि मैं आपके लिए ई एनपीएस पोर्टल से ये जो पैन कार्ड की हार्ड कॉपी है तो उससे जो कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दे सकूं। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इसी के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।